टीवीएस की पहली क्रूजर बाइक टीवीएस जेपलिन को 2018 में ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। ये उस टाइम 2018 में एक कंसेप्ट के तौर पे पेश किया गया था। बट टीवीएस कंपनी की एक खास बात यह है कि इनका कंसेप्ट मॉडल बाइक और रियल बाइक में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट में बाइक दिखाते हैं वही सेम चीज़ ये रियल में भी बाइक में करके दिखाते हैं। इस वीडियो में मैं टीवीएस जेपलिन के सारे फीचर, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड, लॉन्च डेट, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। आप लोगों को गुड न्यूज़ बता देता हूँ, टीवीएस जेपलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। पहले ऐसा न्यूज़ निकल कर आया था कि ये बाइक मार्च 2020 में इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, बट ड्यू टू कोरोना और सप्लाई चेन के वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। बट अब ऐसा अपडेट मिल रहा है कि टीवीएस जेपलिन को 2021 के मिड में लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे तो 2021 में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हो रही है, बट किसी भी बाइक में ऐसा लुक नहीं है जैसा जेपलिन में देखने को मिल रहा है। टीवीएस जेपलिन टीवीएस की पहली क्रूजर बाइक है, तो कंपनी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा है। लुक से लेकर इंजन तक हर मायने में ये बेस्ट है। टीवीएस जेपलिन एक फ्यूचरिस्टिक बाइक होने वाली है। क्यों होने वाली है, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इस बाइक में जो फीचर दिया गया है वो किसी और बाइक में नहीं है। इसके इंजन की बात करें तो 220cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड दिया गया है, जो 8,500 RPM पे 20 BHP का पावर और 7,000 RPM पे 18.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स भी दिया गया है। बट वेट, आपको इस बाइक में एक और कमाल का फीचर देखने को मिलने वाला है। इस बाइक में एक ई बूस्ट दिया गया है जो आपको एक्स्ट्रा पावर देने वाली है, जिसको पेटेंट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम बोलते हैं। सेम चीज आपको मारुति सियाज में भी देखने को मिलता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर दिया गया जो बाइक की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर को कम्बाइन करके पावर जनरेट करती है। आमतौर पर मैक्सिमम बाइक में 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई रहती है, बट जेपलिन में 48 वोल्ट की लियोन बैटरी लगा हुआ है जो ई बूस्ट के टाइम 1200 वाट तक का पावर जनरेट कर देती है। इसका फायदा ये होता है कि आपको 220cc के इंजन में और एक्स्ट्रा पावर मिलने वाला है जो मैक्सिमम BHP और टॉर्क जनरेट होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप 220cc की बाइक राइड कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा कि 250cc या उससे ऊपर cc की बाइक को आप चला रहे हैं। टीवीएस क्लेम करती है कि इसका डिज़ाइन एग्रेसिव है, राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, शॉर्ट हैंडल और फुट स्टेंस फ्रंट की ओर है, सीट हाइट 725 mm होने वाला है, जिसको शॉर्ट राइडर भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। फ्रंट में 41mm की USD फोर्क अप साइड डाउन फोर्क सस्पेंशन दिया गया है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन को यूज किया गया है। जेपलिन में डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। फ्रंट में 300mm और रियर में 240mm का डिस्क होने वाले हैं। टैंक पे जेपलिन की ब्रांडिंग देखेगी और पेट्रोल टैंक पे आपको टीवीएस का घोड़ा भी देखने को मिल जाएगा और सीट पे भी टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 20 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, बट आपको इस बाइक में 45-50 km/L का माइलेज मिलने वाला है। इस बाइक में बायो की स्टार्ट, ई बूस्ट स्विच, HD कैमरा, एडजस्टेबल हैंडल बार लेवर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर दिया गया है इस बाइक में। लाइटिंग की बात करें तो फुल्ली LED हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर है, सब में LED देखने को मिलेगा और हेडलाइट में आपको DRL भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट में हेडलाइट में ही इनबिल्ट आपको HD कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक के मैक्सिमम बाइक्स में HD कैमरा नहीं है। जेपलिन में ये सारे फीचर काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। ये कैमरा कैसे वर्क करेगा ये तो लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। इसके लिए क्या हमें ऐप इंस्टॉल करना होगा या कोई और तरीका होने वाला है इसको यूज करने के लिए, ये तो कंपनी तय करेगी। टीवीएस जेपलिन में बेल्ट ड्रिवन सिस्टम दिया गया है। टीवीएस इंडियन ब्रांड है और अभी तक किसी इंडियन ब्रांड ने बेल्ट सिस्टम को ट्राई नहीं किया है। अगर टीवीएस ये शुरुआत करती है तो इंडियन मार्केट में एक इवोल्यूशन का मार्केट होने वाला है। बेल्ट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपको इस बाइक में चेन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। चेन को हटा करके बेल्ट सिस्टम को लगाया गया है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। बेल्ट सिस्टम चेन सिस्टम से 5 times मोर पावरफुल होते हैं और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। बेल्ट सिस्टम होने से बाइक में चेन के वजह से जो वाइब्रेशन और साउंड आते हैं वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ना तो इसमें कोई ऑयलिंग की ज़रूरत है और ना ही क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप मान लीजिए आमतौर पर जो बाइक का चेन होता है वो 12,000 km या 14,000 km के बाद चेंज करना पड़ता है, बट जब बेल्ट सिस्टम आ जाता है तो इसका इतना मजबूती इसमें होता है कि ये आपको कम से कम 40,000 km 50,000 km तक चल जाता है, उसके बाद ही चेंज करना पड़ता है। ये बाइक एक गेम चेंजर इंट्री लेवल क्रूजर बाइक होने वाली है। टीवीएस अपने स्पोर्ट्स रेसिंग DNA के लिए जानी जाती है,
तो भाई जब इनका डीएनए में ही स्पोर्ट्स है तो इनको कोई कैसे छोड़ सकता है। सेम चीज़ टीवीएस जैपलिन में भी नज़र आती है। एग्रेसिव स्पोर्ट्स, रेट्रो क्रूजर, इन सबको मिला के एक मस्कुलर लुक दिया गया इस बाइक को। इस बाइक के दोनों व्हील्स में स्पोक व्हील है, फ्रंट और रियर दोनों में स्पोक व्हील है, बट इसका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है कि स्पोक व्हील होने के बावजूद भी ये ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में 17 इंच के और रियर में 15 इंच के व्हील देखने को मिल जाता है, जो क्रूजर के लिए बेस्ट है। टायर साइजेस की बात करें तो फ्रंट में 110x70R17 और रियर में 140x70R15 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, और ये दोनों पैरेली ब्रांड के टायर होने वाले हैं। तो जब इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे हमें कुछ चीज़ों को शायद देखने को ना मिले। हो सकता है एलॉय व्हील दे दिया जाए, या बेल्ट को ना देकर चेन सिस्टम कर दिया जाए, या फिर ईबीयू सिस्टम ही ना रहे। तो कुछ भी हो सकता है, ये आप और हम तय नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी ही डिसाइड करती है। टीवीएस जैपलिन का राइडर सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल और बड़ा है, बट पिलियन सीट थोड़ा छोटा है, और पिलियन सीट के नीचे ही प्रो क्रूजर लिखा हुआ है। प्रो क्रूजर लिखा हुआ है, क्रूजर एक बाइक होता है, प्रो क्रूजर, तो आप समझ सकते हैं कि क्रूजर से भी बेस्ट होने वाला है प्रो क्रूजर बाइक। इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर में क्या क्या देखने को मिलने वाला है चलिए जान लेते हैं। कंसोल का डिज़ाइन भी काफ़ी छोटा और यूनिक है। इसके कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, एबीएस लाइट, आरपीएम डिस्प्ले, फ्यूल गेज, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी आपको शायद देखने को मिल सकता है, वो है इसका ब्लूटूथ और जीपीएस। मतलब जब ये बाइक लॉन्च होगी उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिल सकता है। इस बाइक का टॉप स्पीड 130 प्लस किलोमीटर पर आवर तक का होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल लेंथ 2090 mm होने वाला है। व्हील बेस 1490 mm है। टीवीएस जैपलिन का कार्बोरेट 168 kg होने वाला है। ये बाइक सीधे टक्कर देती है बजाज की एवेंजर 220 क्रूजर बाइक को। तो अगर कंपेयर किया जाए टीवीएस जैपलिन और एवेंजर 220 क्रूजर से, तो अगर बजाज ने अपने 220 क्रूजर में कुछ अपग्रेड नहीं किया, और अगर जब ये टीवीएस जैपलिन मार्केट में आ जाती है, तो हो सकता है कि बजाज एवेंजर 220 की जो मार्केट वैल्यू है वो शायद कम हो जाए, क्योंकि अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो लुक और परफॉर्मेंस में टीवीएस जैपलिन बाजी मार जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, टीवीएस ने लास्ट ईयर में इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रोनिन नाम से करवाया है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम जैपलिन से चेंज करके रोनिन होने वाला है, इसका नाम जैपलिन ही रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर। जैसा कि आपने देखा कि इस बाइक में कितने सारे फीचर है, और अगर इतने सारे फीचर अगर कंपनी देती है तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 2 लाख तक हो सकता है, और अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है तो जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है वो और भी कम हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर ले, ताकि इस बाइक से जुड़ी जेन्युइन अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपके पास मेरी हर वीडियो पहुँच जाए। अगर आपको कोई सवाल या इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। और अगर आप भी कुछ नया और औरों से अलग लुक वाले बाइक को लेना चाहते हैं तो कुछ टाइम वेट करके आप टीवीएस जैपलिन को ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चल जाए कि अपने देश इंडिया में किस तरह का फ्यूचर बाइक आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।